अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर थ्री सी एस फाइव ज़ीरो सिक्स वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट असाइनमेंट ऑफ अदर सब्जेक्ट सो इसकी जो लास्ट डेट वो है दस तरीक दूसरा माह एंड दो हज़ार इक्कीस बीस नंबर की ये असाइनमेंट है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है जितने भी सब्जेक्ट हैं बाकी की नस्बत आई थिंक सो सी एस फोर इलेवन भी बड़ी मुश्किल बुक्स है ये भी सो असाइनमेंट नंबर देख लेते हैं थर्ड और ये लास्ट असाइनमेंट होगी आई थिंक सो सो इसमें जो सा उन्होंने कवर असाइनमेंट लेक्चर किए हैं वो तेईस से तीस तक किए हैं तो इसमें उन्होंने क्या दिया है कि कहता है कि आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने मेंशन कर दिया कहता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट ए बी सी ऑर्गेनाइजेशंस चाहती है कि एक वेब एप्लीकेशन बनाए जो एम्प्लॉय के लिए हो ठीक है यानी कि इम्प्लॉ सैलरी के लेवल हो जो यानी कि जिसका नाम ई एस एस के नाम से यानी कि ये वेबसाइट होनी चाहिए कि वेब एप्लीकेशन होनी चाहिए ठीक है सो so, आपने उसके लिए जो सा यूजिंग आपने जो सा सॉफ्टवेयर कर के लिए इस्तेमाल करना है वो है टॉम कैट सर्वेटो ये आपने डाउनलोड कर लेना है कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ ठीक है सो so, उसके बाद आपने रिगार्डिंग सैलरी के स्टेटस आपने इसमें देखना है इनके जितनी भी इम्प्लाइज की सैलरी है उसका नेम उसका इनके बैकग्राउंड टाइप इस तरह का आपने इसमें मेंशन करना है इसमें विद्रा होनी चाहिए आपकी सैलरी उस एम्प्लॉ की आईडी ठीक है उसके बाद एम्प्लॉ नेम सैलरी पर मंथ करंट बैलेंस यहाँ पे और विदड्रा सैलरी वन प्रोवाइडेड एम्प्लाई इन कैश अकाउंट डिपार्टमेंट required ठीक है ये इस तरह की इसने बताया हुआ है उसके बाद ये उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दी हुई है ई एस एस होनी चाहिए फैसे विल प्रोवाइड ऑफ ठीक है तो उसमें ये आ जाता है कि ये बनाने वाले का नाम यानी कि अगर आप बना रहे हो तो आपका यहाँ पे आईडी आ जाएगी ठीक है ये अगर मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी आईडी आ जाएगी तो उसके बाद ये देखें यहाँ पे उसने पासवर्ड ये लॉगिन और क्लियर का बटन भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया और ये भी यूज़ होना चाहिए ओके okay हो गया सो so उसके बाद जो तो ये सारी चीज़ें हमने मेंशन करनी है एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर ठीक है तो ये चीज़ें सारी बनानी है उन्होंने एक ये क्लासेस दी हुई हैं क्लास को आप देख लें क्या करना है इसका मैं आपको बता दूँगा ठीक है सब कुछ ये क्लासेस जावा की इन्होंने दे दी है यानी कि सर्विसेज यहाँ पे दे दी है व्यू एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय आ गया ये व्यू आ गया ये विड्रो आ गया ठीक है तो ये इसी तरह की है अब इसको क्या कैसे डाउनलोड करना है ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है टॉम कैट ठीक है टॉम कैट मैं ये आपको गूगल पे लेके चलता हूँ यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ टॉम कैट टॉम कैट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो सा लेटेस्ट वर्जन है वो आपने डाउनलोड कर लेना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ये नाइन वर्जन है ठीक है ये भी एक वर्जन है बट ये जो सा वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना है सिंपल इस पर क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा और अगर ये यह यहाँ पे देखें नीचे आए तो यहाँ पे है थर्टी टू बिट विंडो ज़िप फ़ाइल में थर्टी सिक्सटी फोर बिट जिप विंडो में जो सी जिप फाइल में है और थर्टी टू बिट्स एंड सिक्सटी फोर बिट्स विंडो सर्विस इंस्टॉलेशन तो इसमें आपने सिंपली क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है सो इस वजह से ये वाला मैसेज आ गया हुआ है सो उसके बाद आपने क्या करना है इसको इंस्टॉल कर लेना है मैं देखता हूँ कहाँ पर मैंने रखा हुआ है सो ये मेरे पास टोम कैट आ गया ठीक है तो इसको मैं ओपन करता हूँ आपके सामने सब प्रोसीजर करता हूँ ताकि आपको इस असाइनमेंट में भी परेशानी ना हो तो यस कर देता हूँ यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ नेक्स्ट करना है अपने सिंपली एग्री करना है फिर यहाँ पे ये ऐसे ही रहने देना है नेक्स्ट तो यहाँ पे आपने अपना पा यू एन वी यहाँ पर लिखने या कुछ भी अच्छा यहाँ पे मैंने वी लिख दिया आपका नाम और ये जो जौनसा ना आपका एस टी टी पी की पोर्ट आ गई है ठीक है ए टी तो यहाँ पे मैं एक दो तीन चार कोई भी पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ठीक है तो आपने इसको नेक्स्ट करना है इसको ऐसे ही रहने देना ये जावा आप जावा का भी जोन सा वो आपका यहाँ पर होना जरूरी है यानी कि वो जावा आपने इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए ठीक है वो अगर आप नेट भी ये, ये वाला अगर डाउनलोड कर लेते हो या इंस्टॉल कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिक इसमें ही इसी के अंदर हो जाता है सब कुछ तो ये मेरा देख लें जावा का भी यहाँ पे ऑप्शन है तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ना समझ लगे जावा इंस्टॉल करने के तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं ठीक है तो ये आपने इसको नेक्स्ट करने के बाद इसको इंस्टॉलिंग पर लगा देना है ये फिनिश कर देना उसके बाद इसको शो रेडमी तो उसके बाद फिनिश कर दिया ये कुछ सेकंड लेगा ये आ गया नीचे आपने इस पर राइट क्लिक करना है ठीक है तो ये देखें इसका कंफिगर देखें तो ये चीज़ आती है मैंने भी लॉगिन लॉगिन जावा स्टार्टअप ये सारी चीज़ें ठीक है तो ये अभी रन हो रहा है ठीक है अगर ये देखें अगर इस पर हम क्लिक करें तो ये देखें यह स्टार्टिंग है, अगर स्टॉप कर दें तो ये बंद हो जाएगा तो उसके बाद आपने चले जाना अपनी फाइल के अंदर जहाँ पे ये मेंशन हो गया होगा आई थिंक ये है सो so, उसके बाद ये आपने वेलकम के ऊपर क्लिक करना ये देखना कि ये वाली साइड आपकी ओपन हो रही है कि नहीं ठीक है अगर ये इस तरह का आपका मैसेज आ जाता है कि यू इफ़ यू आर सीइंग दिस यू सक्सेसफुली यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल टोम केट कन्ग्रेजुलेसन ठीक है इस तरह का मैसेज आएगा तो समझो ये आपके फाइन यहीं कि इंस्टॉल हो गया हुआ ठीक है सो so, ये था टोम कोड को इंस्टॉल करना तो इसका जो सा मैं असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ठीक है लंबी वीडियो हो गई है सो इस वजह से मैं ये वीडियो यहाँ पे बंद करता हूँ तो इसका सोल्यूशन मैं साल ला आपको लास्ट में बता दूंगा क्या करना है इसका क्या नहीं ठीक है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो असाइनमेंट और इसकी भी जो सी वीडियो वो आप तक पहुँच सके पहले से सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दो में अपने भाई को याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़